कौशल भारत मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए की गई थी, जहां उन्होंने कुशल युवाओं को हमारे सपनों के अनुरूप नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया था। कौशल विकास मिशन की फ्लैगशिप योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और पूर्व शिक्षा की मान्यता कार्यक्रम की शुरुआत प्रमुख व्यवसायों के अनुरूप कौशल सुधार और कौशल दक्षता को ध्यान में रखकर की गई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने पूर्व में अर्जित की गई जानकारी को मान्यता देने के साथ ही मौजूदा ट्रेडों में कुशल व्यक्तियों के प्रमाणीकरण को मान्यता दी है। पूर्व शिक्षा को मान्यता प्रदान करने हेतु जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसके जरिए निम्न बिंदुओं को सुनिश्चित किया जाता है। देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप तैयार करना, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के साथ ही उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक साधन मुहैया कराना और असमानता को दूर करने के अवसर भी प्रदान करना। इस मिशन के अंतर्गत लघु और दीर्घकालिक प्रशिक्षण, उद्योगों के लिए अप्रेंटिस तैयार करना, कौशल विकास और उद्यमिता और साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़े कुछ कौशल विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत केंद्रीय मंत्रालयों के NAPS अप्रेंटिसशिप और कौशल कार्यक्रमों से जुड़कर हर साल लगभग 1 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। RPI के प्रमाणीकरण किए जाने के बाद संबोधी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन द्वारा किए गए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के प्रभाविता के मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट यह बताती है कि कार्यबल की आजीविका में 25% की वृद्धि हुई है। साथ ही 2015 से 2022 की अवधि के लिए पूर्व शिक्षा को मान्यता दिए जाने के कार्यक्रम के अंतर्गत 10 जुलाई 2021 तक 37 अलग अलग ट्रेड के 63 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रमाणित किया जा चुका है। स्किल इंडिया मिशन कौशल उन्नयन के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में एक सार्थक कदम है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करता है।